किसी के लिए जिंदगी बड़ी भारी है, हमारा दिन नहीं कट रहा है, हमारा तो ऐसे कट जा रहा है कि लग रहा है कि अब ये दिन है कि क्या है, घंटा है, एक एक सेकंड जैसा हमारे दिन निकल जा रहा है भाई, धड़ 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 जाते जा रहा है। हम लोगों से पूछे कितनी तारीख हो गई, हम कि अभी क्या है जनवरी चल रहा है, बोला महाराज जी अब मार्च आने वाला, हम कहें मार्च आ गया, हमको सच कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, हमें महीने का भी पता नहीं चलता ठीक से, मौज रहती आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, आपके बीच में बैठे हैं आनंद कर रहे हैं, मस्ती हो रही है, चर्चाएं हो रही हैं, कैसे इस दुख को आनंद में कन्वर्ट किया जाए, इस कन्वर्जन के लिए पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, रियल नॉलेज कैसे लोगों तक पहुंच जाए, इसकी मस्ती है, ऐसी मस्ती में जिंदा रहिए, नहीं तो अपने ही कमरे में दीवार ऐसे देखते हुए पंखा मत देखते रहिए, घटर घाट घटर घाट। पप्पू बहुत मन खराब है, डिप्रेशन है, टेंशन है, कभी बेचारा दीवार देख रहा है, कभी पंखा देख रहा है, कभी कुछ देख रहा है। अरे हम तो नागपुर में भी बोले थे, यहां भी बोल रहे हैं, न किसी का हाल देखो, न किसी का चाल देखो, न गाल देखो, न दूसरे के घर का माल देखो, जो पैसा कौड़ी है देखना ही है तो एक बार यशोदा का लाल देखो, जिंदगी बदल जाएगी, यशोदा के लाल से प्रीति लगाओ एक बार, आओ उनको देखो, भाव ही बदल जाएगा तुम्हारा, इधर उधर देखने से क्या फायदा है, नहीं टकटक ही लगाए रह जाओगे ऐसे करके, ये देख रहे ज्यादातर आदमियों का आजकल यही हालत है महाराज, ज्यादातर लोग ऐसे ही बैठ करके ऐसे बैठ कर। मेरे को बहुत टेंशन है यार, अच्छा उम्र उसका 10 साल है, वो टेंशन है, बताओ एक कौशन नहीं है उसके पास, टेंशन तो बहुत अच्छी चीज है, सन का अर्थ होता है सूर्य, एक सूर्य गुरु की तरह ज्ञान की तरह प्रकाश है, अंधकार भगा देगा, अगर टेंशन है तो बहुत अच्छी बात है, 10-10 सूर्य के बराबर तुम्हारे भीतर शक्ति है, तब काहे इतने परेशान हो, टेंशन डिप्रेशन सब में सन लगा हुआ है, सन ब्राइटनेस हर जगह, हर जगह सूर्य की किरणें हैं, चमक है, ज्ञान है, हनुमान जी के गुरु हैं सूर्य, सूर्य तो गुरु हैं आपके जीवन में, कोई तकलीफ नहीं होती। अंतिम बात विश्राम बात ये कहता हूं, किम कुर्वन्तु ग्रहे सर्वा यत् केन्द्रे बृहस्पति, उस व्यक्ति के सारे ग्रह भी मिलकर कुछ नहीं बिगाड़ सकते जिनके केंद्र में उनके गुरु रहते हैं, उनका जीवन आनंदमय रहता है, इसलिए अपने जीवन में केंद्र गुरु को बना के रखना, गुरु मतलब ज्ञान, गुरु मतलब मैं नहीं, मुझे मेरे बारे में मत सोचना, ज्ञान नॉलेज जहां से मिले ले लो, जो पर्सनालिटी तुम्हें रियल नॉलेज दे उसको ले लो, हमको गुरु बनने का कोई इतना शौक नहीं है, ऐसे ही इतने बहुत सारे शिष्य, बहुत सारे चेले, बहुत फॉलोअर्स हैं महाराज, 10-20-50 तुम नहीं भी बनोगे तो क्या आता जाता है मेरा, बट लो हर जगह जो मिले, जहां से जो अच्छी बातें मिले उसको पिक करो ले लो, कंकड़ हटा दो चावल रख लो, कंकड़ के चक्कर में चावल भी मत फेंक दो,